हाई एवरी वन, दिस इज़ पार्ट टू ऑफ माई महाराष्ट्र ज्योतिर्लिंग व्लॉग्स। आज हम जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर, जो कि है नासिक में। हम अभी स्टे कर रहे हैं शिरडी में। शिरडी टू नासिक इज़ 1.5 घंटा दूर। हम सुबह सुबह निकल चुके हैं 5 बजे, बिकॉज हमने अर्ली मॉर्निंग दर्शन करने थे ताकि भीड़ कम मिले। सो इस व्लॉग में मैं आपको एक ऊपर ऊपर की सारी आइटनरी कवर कर दूंगी कि आप शिरडी टू जब नासिक जाते हो रस्ते में आपको कितनी देर लगेगी, आपको पहुंच के कितने बजे जाना है, और आपको पासेस जो VIP पासेस होते हैं वो कैसे मिलेंगे, या फिर दर्शन कैसे और कब करने हैं। सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं इन पहाड़ों से। आने का सबसे बेस्ट टाइम है यहाँ पर जुलाई में, बिकॉज उस टाइम बारिश हो रही होती है, पहाड़ इतने सुंदर होते हैं। अभी सब कुछ ड्राई था, पहाड़ सूखे हुए थे, और अभी देखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा था, बट ठीक है, पहाड़ तो पहाड़ सुंदर ही होते हैं सारे। और ये मेरे नेल्स ऑफकोर्स दिखाने ज़रूरी थे, और महादेव के तो इतने सुंदर दर्शन हुए हमें आज। आज मैं आपको दिखाऊंगी, मैं अंदर भी ले गई थी आज तो कैमरा, बिकॉज जब मैं लास्ट टाइम आई थी तो अलाउड नहीं था अंदर ले जाना, बिकॉज भीड़ बहुत ज़्यादा थी। आज भीड़ बहुत कम थी, एंड टुडे इज़ 2nd मार्च, आई गेस 2nd मार्च, यस। सो पहाड़ तो हमेशा सुंदर होते ही हैं, और स्पेशली जब महादेव की नगरी हो। और अभी हम लोग मॉर्निंग टाइम पे आए हैं ना, तो भीड़ थोड़ी सी कम है, तो प्रेफरेबली ट्राई टू कम इन द मॉर्निंग। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो मैं दोपहर शाम टाइम के अराउंड आई थी, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मतलब हम यहाँ तक तो कार ही नहीं ला पाए थे। और यहाँ पर होटल्स वगैरह भी है रहने के लिए, इफ यू वांट। और अभी इस टाइम पे भीड़ कम ही है, मार्च चल रहा है अभी, टुडे 2nd मार्च, भीड़ कम ही है, तो यू कैन कम इजीली। हर हर महादेव एवरीवन, आई विश आप सब भी यहाँ जल्दी आओ। आप सीधा हो गए ना, यहाँ पर डोनेशन दर्शन है एंट्री गेट पे, सो 200 पे करके आप लोग दर्शन कर सकते हो अंदर वाली साइड। मॉर्निंग में आने का यही बेनिफिट होता है कि आप टाइम से आओ, टाइम से दर्शन कर लो इजीली, अपने कोई जैक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको दर्शन के लिए। तो यहाँ पर हर ज्योतिर्लिंग में VIP दर्शन का सेक्शन अलग है, आप 200 या 500 पे करके VIP दर्शन कर सकते हो, सीधा अंदर की एंट्री होती है। तो ये आज VIP भी पूरा खाली था, जब मैं लास्ट टाइम आई थी इट वाज़ फुल, मतलब पार्किंग तक फुल था ये। तो लास्ट टाइम तो हमें अपना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ा था, बट इस बार इट वाज़ ऑल एम्प्टी, हम सीधा गए। ये साथ वाली थी ना, इनसे पूछते हैं। तो ये बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है 200 वाले दर्शन करना, आप नॉर्मल लाइन से भी आ सकते हो, आधे पौने घंटे में नंबर आ जाता है, दैट इज़ ऑल्सो ईजी, जैसे आपकी श्रद्धा हो आप वैसे कर सकते हो। अभी मैं जा रही हूँ सीधा अंदर, ये आ गए हम अंदर। मैं कैमरा ले गई थी बिकॉज मुझे व्लॉग शूट करना था। ये सारा आसपास आप मंदिर का अंदर का पार्ट देख रहे हो, अभी सामने से मैं आपको शिवलिंग भी दिखाऊंगी। तो अंदर आते ही जो VIP वाली लाइन थी वो नॉर्मल लाइन में मिक्स हो जाती है, इट्स जस्ट दैट बिल्कुल टेंपल के सामने ऐड हो जाती है वो लाइन, दैट्स इट। सो अब इतना तो वेट कर ही सकते हैं ना हम शिव जी तक पहुंचने के लिए। सो हम धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम क्या हुआ था ना, मैं पीछे की साइड से आ गई थी एग्जिट वाले तरीके से और सीधा अंदर चली गई थी, बट इस बार वी ऑप्टेड फॉर अ नॉर्मल रास्ता। ये मैं हूँ, और बस हम देखने वाले हैं ऑलमोस्ट शिव जी को। यहाँ के ज्योतिर्लिंग में आप टच नहीं कर सकते हो, जो भीमा शंकर है और ग्रीनेश्वर है आप वहाँ पर जल अभिषेक कर सकते हो अगर आप मॉर्निंग टाइम से जाते हो। यहाँ पर जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर 3 शिवलिंग हैं बेसिकली, ब्रह्मा विष्णु महेश, वहाँ पर सिर्फ पुजारी ही रहते हैं अंदर, जो कि आप सिर्फ देख सकते हो, जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। और टाइम से आ जाओ तो सब हो सकता है, लेट हो जाता है तो उतनी जनता आती रहती है और फिर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। ये मेरा दुपट्टा आ गया था वो कैमरा के आगे, बिकॉज मैं खुद दर्शन कर रही थी। ये लीजिए आपके लिए दर्शन, हर हर महादेव। सो मैं फटाफट से निकल गई बिकॉज बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मैं इतनी देर भीड़ में नहीं खड़ी हो पा रही थी। तो अब हम निकलते हैं बाहर की तरफ, लास्ट दर्शन। बाहर निकलते ही इतना सुंदर व्यू है, टेम्पल इतना सुंदर है, आप तब तक वीडियो देखो साथ साथ ऑडियो में ये सुनो कि आपको कैसे आइटनरी प्लान करनी है।
तो आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो फ्लाइट से लैंड होगी आपकी फ़्लाइट शिरडी। शिरडी लैंड करते ही आप रेस्ट कीजिए, देन आराम से टैक्सी कर लीजिए। 3-3.5 हज़ार लेता है टैक्सी ड्राइवर, जो कि आपको लेके आएगा नासिक। नासिक दर्शन करा के वो आपको वापस शिरडी ड्रॉप कर देंगे। एंड देन यहाँ पर आप आओ, रुको, खाना पीना खाओ, आराम से शिव जी के पास बैठो। इतनी प्योरिटी है यहाँ पर, इतना साइलेंस, इतना काम है। तो अब आप खुद ही देख पा रहे हो धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है। अभी शायद 8 बज चुकी थी ऑलरेडी और लोग बहुत ज़्यादा आ गए थे। तो मेरा सजेशन यही होगा, VIP टिकट्स अपनी पहले बुक करके जाना अगर फैमिली के साथ जा रहे हो, बिकॉज़ इतनी दूर आने के बाद भीड़ में 2-3 घंटे खड़े रहना पड़े वो बहुत ज़्यादा टफ़ लगता है। सो या इट्स अ सजेशन। और VIP काउंटर्स भी कभी कभी बंद होते हैं। लास्ट टाइम जब मैं आई थी VIP काउंटर में 3 घंटे की लाइन थी और VIP काउंटर बंद हो चुका था। सो आप लोग प्लीज़ पहले प्रायरली प्लान करके आना। यहाँ से एंट्रेंस है, एंट्रेंस के बाद ये मेन टेम्पल है, तो आप वहाँ से आओगे, वहाँ से आते 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 आप यहाँ जाओगे। यहाँ से फिर वो राउंड वाला पार्ट है जहाँ मैंने आपको अपने फेस दिखाया था, और इस वाले एरिया में लाइक दिस पार्ट, यहाँ पर शिवलिंग है। तो ईजिली आप दर्शन कर सकते हो अगर आप 200 रुपीज़ वाले टिकट दे के आ रहे हो। पता है कभी कभी ना रश डेज पे वो भी फुल होता है, तो मतलब आप देख लेना कैसा होता है। मतलब ब्लैक में टिकट्स लेना अवॉइड करना, अब आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कैसे हो, किस डे आ रहे हो, किस सिचुएशन पे आ रहे हो। अभी यहाँ पर इन लोगों को रोक दिया है बिकॉज़ पूजा का टाइम स्टार्ट हो गया है, तो अंदर पूजा होगी। और ये नॉर्मल लाइन वाले थे जहाँ से हम आए थे, वहाँ पर VIP वाला ये था। तो और ये उधर त्रिशूल है, और आप जितनी देर मर्जी चाहो यहाँ बैठ सकते हो बहुत ईजिली। कोई कुछ नहीं बोलता बाहर तो, और फ़ोन्स भी अलाउड है, अंदर नहीं अलाउड और बाहर अलाउड है फ़ोन, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। रेस्ट दर्शन इज़ गुड, फटाफट से दर्शन हो गए और नाउ वी आर गोइंग बैक। थोड़ी देर बैठेंगे और फिर जाएंगे, फिर आपको आज का दिखाती हूँ और कहाँ जा रहे हैं। रेस्ट अभी के लिए, हर हर महादेव। नेक्स्ट एंड इफ यू वॉन्ट टू रीड आप ये सब रीड कर सकते हो। दिस इज अबाउट द त्र्यंबकेश्वर टेम्पल। दिस प्लेस में नाइस त्र्यंबकेश्वर इज मोस्ट रिलीजियस प्लेस कंसिडर्ड एज अ गॉड ऑफ वाटरवर्ल्ड वेयर ही रेजिडेड इन द फॉर्म ऑफ ज्योतिर्लिंग कॉल्ड त्र्यंबकेश्वर। ओके, आउट ऑफ 12 सो लास्ट। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट लोकेशन पे, मैं आपको बताती हूँ वेयर वी आर गोइंग। और ये है बाहर का दरवाज़ा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब आप महाराष्ट्र आ रहे हो और ये सब ना खाओ तो आप बहुत ही बड़े बुद्धू होगे। सो आओ और ये सब खाओ। वापसी हम जा रहे हैं पार्किंग की तरफ। ये ऊपर अन्नपूर्णा माता का टेंपल था, आप यहाँ भी ज़रूर जाना। मैं अंदर शूट नहीं कर पाई बिकॉज़ बैटरी लो हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पर भी ऊपर एक टेंपल है जहाँ पे बहुत बड़ा सा शिवलिंग है, तो अगर आ रहे हो तो टाइम निकाल के आओ। हमें नेक्स्ट जगह पर दोबारा जाना था और मैं यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी हूँ, तो हम निकल गए थे फटाफट नेक्स्ट लोकेशन के लिए। ओके, सो चार चीज़ें जो मेरे से बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं। सबसे पहली चीज़, कितना टाइम लगा और वन डे में ये ट्रिप कंप्लीट हो सकता है? तो यस, हो सकता है। शिरडी एयरपोर्ट पे लैंड करते ही, शिरडी वो जो मेन साईं बाबा टेंपल है वो 20 मिनट्स दूर है एयरपोर्ट से, तो आप एयरपोर्ट पे लैंड करो। बाहर आपको पेड टैक्सी मिल जाएगी 700 रुपीज़ की, जो कि आपको शिरडी में एनीवेयर ड्रॉप कर देगी किसी भी होटल में। आप वहाँ जाओ, 1.5 घंटा लगेगा टैक्सी टू, आपको टैक्सी से शिरडी टू यहाँ पर आने में, नासिक आने में। नासिक पहुँचते दर्शन करो, आधा 1 घंटा निकाल के चलो, कभी कभी 2 घंटे भी लग जाते हैं जुलाई में आ रहे हो तो, 2 घंटा निकाल के चलो और 1.5 घंटा वापसी का मान के चलो। सो आप एक दिन में आके 1 नाइट स्टे करके नेक्स्ट डे रिटर्न भी जा सकते हो। यहाँ का ट्रिप वो भी प्लान हो सकता है अगर खाली किसी ने त्र्यंबकेश्वर दर्शन करने हैं। ज़रूरी नहीं है पुणे और औरंगाबाद वाले ज्योतिर्लिंग आप सेम डे में कवर करो, नेक्स्ट ट्रिप पर भी प्लान कर सकते हो। बिकॉज़ पुणे वाले जो ज्योतिर्लिंग हैं वो आप
पुणे वाली साइड से आकर भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है शिरडी वाली साइड से जाना है। सो दिस वाज इट। और सेकंड सजेशन जो बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, क्या टाइम होना चाहिए आने का, वो मेरे ख्याल से तो होना चाहिए, जो मैंने फील करा है वो होना चाहिए जून जुलाई का महीना, बिकॉज उस टाइम पे बहुत बारिश भी होती है, बहुत सुंदर वेदर होता है, पहाड़ बहुत सुंदर होते हैं, इट्स एवरीथिंग गुड हियर ऑन दोज डेज। थर्ड, इसके बाद लाइक ज्योतिर्लिंग के बाद आप और क्या एक्सप्लोर कर सकते हो। पहली चीज़ जो आपको एक्सप्लोर करनी है, नासिक इज़ फेमस फॉर ग्रेप्स, एंड ग्रेप्स आप ज़रूर लेके जाना वापस, यहाँ रास्ते में आपको गुड़ बनाते हुए भी लोग दिख जाएंगे। चौथी चीज़ वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी, तो देखते रहो नेक्स्ट व्लॉग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 3 एंड 4। सी यू सून, बाई।